एक से स्टार्ट करेंगे बोलना। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथ मा कस्य हृदस्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीजीविसेचतं समा एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे असुर्यानां ते लोक अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जना अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्ष तद्धावतो नान्यते तिष्ठ तस्मिन्नपो मातरिष्वा ददाति तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्यस्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवाद्भुद्विजानतः तत्र को मोहक शोक एकत्वम् अनुपश्यतः सपर्यागाक शुक्रम् अकायम् अव्रणम् अस्नावीरम् शुद्धम् अपापविद्धम् कवीरमनिषि परिभूस्वयम्भू यथा तथ्यतो अर्थान् व्यदधाक्ष शाश्वतीभ्यः समाभ्यः अन्धतमा प्रविश्यन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमो यं विद्यायां रता अन्यदेवाहुरविद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति सुश्रुमधीराणा येनस्तद्विचचक्षिरे विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते अन्धतम प्रविशन्ति ये सम्भूतिम् उपासते ततो भूयैव ते तमो यं सम्भूत्यां रता अन्यदेवाहु सम्भवात् अन्यदाहुरसम्भवा इति सुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापहितं मुखम् तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापहितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापहितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापहितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। अनुवाद: हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। कृपा करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दीजिए। सो मंत्र 15 और मंत्र 16 में दो मुख्य बातें बताई, एक मुख्य बात बताई गई है। इसमें बताया गया है कि भक्त भगवान से उनके दिव्य स्वरूप को दिखाने के लिए निवेदन कर रहा है। भक्त द्वारा भगवान से उनके दिव्य स्वरूप को दिखाने के लिए निवेदन किया गया है। 15 और
16 श्लोक में। सो इसका पिछले मंत्र से क्या संबंध है? मंत्र 14 में बताया गया कि पूर्णता की प्राप्ति के लिए भगवान को तत्वतः जानना कितना आवश्यक है, और इस 15वें मंत्र में बताया गया है कि यह तभी संभव है जब व्यक्ति निराकार ब्रह्म ज्योति से परे भगवान की अनुभूति कर लेता है। भगवान तीनों हैं, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ञात्वम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दितः। लेकिन ये 15वें मंत्र में ये क्लियर कर दिया गया है कि जब व्यक्ति निराकार ब्रह्म ज्योति से परे भगवान के असली स्वरूप को अनुभव कर लेता है, उसका अनुभव कर लेना मतलब देख लेना, हाँ, या साक्षात्कार कर लेना, तो जब भगवान के स्वरूप से साक्षात्कार हो जाता है तब उसका भगवत ज्ञान जो है वो एक तरह से देखा जाए तो पूर्ण होता है। अन्यथा भगवान के तीन वैशिष्ट्य हैं, और आप लोग को पहले भी बताया जा चुका है कि तीन वैशिष्ट्य क्या हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो यहाँ पे भगवत अनुभूति के लिए भक्त जो है भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान के दिव्य स्वरूप को देखना चाहते हैं, जिसका ब्रह्मा जी कहते हैं ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान एक स्वरूप है और उस स्वरूप को देखने के लिए भगवान से वो निवेदन कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो भगवान से इसमें बता रहा है इस मंत्र में स्ट्रेट अवे कि आपका असली मुखमंडल जो है आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है, इसीलिए मैंने ये फ़ोटो डाल दिया इधर, हाँ, कि भगवान जो है उनका स्वरूप जो है एक्चुअली है लेकिन डैजलिंग है, दिखाई नहीं देता है। जब ये पॉइंट आता है तो मुझे एक, मैं बहुत पहले पढ़ा था किसी पुराण में, मुझे याद नहीं कौन से पुराण में पढ़ा था, कि कुछ ऋषि लोग तपस्या करके और समहाउ और अदर वैकुंठ लोक में घुस जाते हैं। कैसे घुसते हैं वो तो पता नहीं, पर वो वैकुंठ लोक में घुस जाते हैं तो वहाँ पे उनको वैकुंठ वासियों के तो दर्शन होते हैं, लेकिन वो अचानक देखते हैं कि बहुत ज़ोर ज़ोर से बाजे बज रहे हैं, पूजा हो रही है और सब कुछ जैसा इन्वायरमेंट है, और कोई एक बड़ा ब्रह्म ज्योति जैसा एक जयजल्लमान कोई तो आ रहा है, पर उनको दिख नहीं रहा है कि कौन आ रहा है, उनको सिर्फ क्या दिख रहा है, जैसे सामने सड़क पे रात के समय में ट्रक आता है और उसका खाली हेडलाइट दिखता है, आवाज़ होती है कुछ तो आ रहा है ना, पर हमारी आँखों से वो दिखता नहीं है, है ना। तो वो सोचते हैं कि ये लोग पंखा झल रहे हैं, चावर हिला रहे हैं, हाँ, स्तुति मंत्र गा रहे हैं, कौन साथ में इनके आ रहा है, इनको सिर्फ दिखता है कि कोई एक लाइट चल रहा है, हाँ, एक तेज प्रकाश का पुंज जो है वो साथ साथ चल रहा है। तो ये लोग कोशिश करते हैं जानने के लिए, तो फिर एक आकाशवाणी होती है कि अभी तक आप लोगों ने अपना जीवन उस तरह से परफेक्ट नहीं किया हुआ है कि जिसको आपको हमारा दर्शन हो सके, इसलिए वापस भूलोक में जाओ और वहाँ जा कर के ढंग से तपस्या करो, और उस तपस्या से जब आप प्यूरिफाइड हो जाओगे तब आप हमारे इस स्वरूप को देख सकते हो। तो उनको वैकुंठ से लौटा दिया गया। सो जो व्यक्ति भगवान को नहीं जानता है वो भगवान के दिव्य ज्योति को देख करके भगवान को समझ नहीं सकता है। ये कहने का तात्पर्य है मेरा। तो यही इस चीज़ में बताया गया कि भगवान के दिव्य ज्योति को तो वो भक्त देख रहा है लेकिन उसको देख करके भी उसकी संतुष्टि जो है नहीं हो रही है। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, ये गोप कुमार की जर्नी बृहद भागवतामृत में, हाँ, कि गोप कुमार जो है उसको कहीं भी जा करके, यहाँ तक कि द्वारका तक भी चला जाता है, फिर भी उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि उसके जो प्राण के धन हैं, प्राण धन, जिस स्वरूप को वो वर्शिप करना चाहता है उस स्वरूप को जब तक नहीं प्राप्त करता है तब तक उसकी संतुष्टि नहीं हो सकती है। यद्यपि भगवान के ऐसे बहुत सारे स्वरूप हैं, तो जब भक्त अपने आराध्य की उपासना करता है और उस उपासक आराध्य से जब उसका साक्षात्कार होता है तब जा करके फिर उसके मन में वास्तविक शांति प्राप्त होती है। तो यही भक्त भी यहाँ भी कह रहा है कि मैं आपको मिलना चाहता हूँ, आपको देखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आपका ये स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका सारांश है, इस मंत्र का सारांश है कि भगवान कृष्ण ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों के रचयिता और पालक हैं, और इन जगतों में विद्यमान सभी जीवों या भक्तों के साथ अनूठे और तमाम तरह के संबंधों से जुड़े हुए हैं।
तो जो भी व्यक्ति भगवान से जिस तरह से संबंध बना लेगा और उसके संबंध अगर पुष्ट होता है, जैसे हनुमान जी का भगवान रामचंद्र जी से तारतम्य है ना, और जब चैतन्य महाप्रभु के साथ में मुरारी गुप्ता के रूप में लीला करने के लिए प्रकट हुए थे मुरारी गुप्त के रूप में, तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं उन्होंने उनको शिक्षा दिया कि कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण ही सर्व अवतारों के स्रोत हैं। लेकिन वो फिर आकर के कहने लगे कि आप जो मुझे निर्देश दे रहे हैं वो मैं पालन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए आप मुझे शरीर को त्याग करने की अनुमति दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं अपने आराध्य भगवान राम को कभी त्याग नहीं सकता, है ना। रूप और सनातन गोस्वामी के भाई अनुपम रहते हैं, छोटे भाई जिनके पुत्र जीव गोस्वामी हैं, उनको भी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कृष्ण की भक्ति करने के लिए कहते हैं, पर वो रामचंद्र जी के भक्त हैं, तो आकर के कहते हैं कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि भले कोई भी स्वरूप से मेरा तारतम्य, जब जिस स्वरूप से तारतम्य बन गया उसके अलावा दूसरा कोई मिला तो वो व्यभिचारी भक्ति जैसा भाव लगता है, इसलिए भक्ति जो है संतुष्ट नहीं होता है। पर यहाँ पे हमको ये बताया गया है कि जितने भी इस जगत में अवतार आते हैं या भगवान के जो विभिन्न स्वरूप हैं, जैसे ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में, उनके सबके स्रोत कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और यही भगवान श्री कृष्ण अपने विभिन्न भक्तों के साथ में अनेक प्रकार के संबंधों से जुड़े रहते हैं। क्या संबंध है? 12 संबंध है एक्चुअली, है ना, 5 मुख्य और 7 गौण, ये 12 संबंध है जिनके द्वारा भगवान भक्त जो है भगवान से जुड़ा रहता है। सो इस मंत्र में अभिधेय अर्थात भगवान को प्राप्त करने के तरीके की भी चर्चा की गई है कि भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर भक्त क्या कर रहा है भगवान को प्राप्त करने के लिए? साक्षात भगवान से प्रार्थना कर रहा है। तो प्रार्थना एक उपाय है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और कितने तरह की प्रार्थना होती है, नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रार्थना पुस्तक में बताया ना, बताइए आप लोग बताइए। 3 तरह की प्रार्थना होती है, कौन कौन सी? संप्राथमिका, दैन्य बोधिका और लालसामयी। ये 3 तरह की प्रार्थना आप लोगों ने सुना होगा ना। तो संप्राथमिका क्या होती है? संप्राथमिका मतलब भगवान को ग्लोरीफाई करना। संप्राथमिका, उसके बाद में दैन्य बोधिका, और फिर भगवान के सामने अपने दीन स्थिति को प्रकट करना कि आप कितने महान हो, भगवान का ग्लोरीफाई करना और अपनी दीन स्थिति को बताना कि मैं कितना पतित हूँ, और उसके बाद में सब बता देने के बाद में फिर भगवान के सामने पेटिशन करना कि मेरी ये इच्छा है ये पूरी कीजिए, है ना। उसको क्या कहते हैं? लालसामयी। उसको कहते हैं लालसामयी। तो इस तरह से 3 प्रकार की प्रार्थना होती है। तो यहाँ इस पर्टिकुलर इसमें भक्त जो है भगवान से क्या कर रहा है? अपनी दीन स्थिति को प्रकट करते हुए प्रार्थना कर रहा है। अगले 16वें श्लोक में वो बताएगा कि उसकी दीन स्थिति क्या है। वायो रंडिला मथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मर कृतम स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर। हाँ, भक्त कहता है कि प्रभु ये शरीर जो है ये मेरा 5 तत्वों से जो मिल करके बना हुआ है, इस 5 तत्व में से जब मेरा शरीर छूटेगा तो 5 के 5 तत्व जो है उनके मूल तत्व में विलीन हो जाएंगे, पर मैं तो आपका अंश हूँ और मैं कहाँ जाऊँगा, पर मैं मेरे पास में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपके पास में आ सकूँ, और ये अंतकाल में मेरे पास में शक्ति भी नहीं रहेगी, जैसे प्रभुपाद जी गाते हैं ना उसमें कुलशेखर, किंग राजा कुलशेखर का वो श्लोका, हाँ, कृष्णा त्वदीय पाद पंकज पंजरांतम अद्वैत विशतुमे मानस राज हंस प्राण प्राण समय कफवात पित्तये कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। जब मृत्यु का समय आएगा तो गला जो है वो घुर घुर करने लगेगा, आवाज़ किधर से आएगी? आवाज़ निकालना भी चाहेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी, कंठावरोधन विधो, और घर घर आएगा गला, कुछ बोलने को नहीं होगा, कुछ करने को नहीं होगा, मन जो है वो शांत नहीं रहेगा, तो मन में आपके चिंतन भी बड़ा आसानी से नहीं होगा, और जो लोग बीमार पड़े होंगे, है ना, उन लोगों को ये सब अनुभव अभी से ही हो चुका होगा। जब शरीर का कोई भी अंग थोड़ा अरेस्ट हो जाता है तो भगवान का स्मरण कितना कर पाते हैं हम लोग, है ना। तो जब बुढ़ापा आ जाएगा, बुढ़ापा सबसे बड़ी बीमारी है। बुढ़ापा क्या है? कुछ लोग सोचते हैं बुढ़ापा में मैं मजा करूँगा, है ना, बुढ़ापा सबसे बड़ी बीमारी है, बुढ़ापा में कुछ मजा नहीं कर सकते हैं। हाँ,
तो भगवान का भक्त जो है भगवान से निवेदन कर रहा है कि ऐसे स्थिति में है आप मुझे, जब मैं आपको स्मरण कर रहा हूँ तभी मुझे लेके निकल लो, एटलीस्ट मैं आपका स्मरण तो कर लूँगा जाते समय, है ना। पर भक्त कहता है कि मेरे पास अब शक्ति नहीं है, मैंने आपके लिए पहले जो कुछ किया है उसको स्मरण करो और आप मेरा जो भी भला करना है करो, मैं अभी आप पूरी तरह से आपके अधीन हूँ। तो ये भावना होनी चाहिए। सो भगवान को प्राप्त करने की जो तरीका है प्रार्थना, उसको इसमें बताया गया। इस मंत्र में ये भी बताया गया है कि भगवान सभी जगतों के रचयिता और पालक हैं और भक्त उन्हें देखने के लिए लालायित है, परंतु उनके चमचमाते तेज से ढके हुए स्वरूप मुखमंडल को तेज रोशनी की चकाचौंध में देख नहीं पा रहा है, इसलिए भगवान से निवेदन करता है कि वे अपने मुखमंडल या स्वरूप से प्रस्फुटित होने वाली रोशनी को हटा लें जिससे वह उनका समुचित दर्शन कर सके। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, भगवान का भक्त जो है उन्हें देखने के लिए लालायित है ना। पर इस विषय को लेकर के भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी बड़ा एक बढ़िया प्रश्न एक प्रसंग कहते हैं। वो कहते हैं कि भगवान को देखने की कोशिश मत करो, भगवान की इतनी सेवा करो कि भगवान जो है वो खुद सोचे कि ये कौन है भाई इतना को सेवा कर रहा है मेरी, और भगवान तुमको देखने के लिए उत्सुक हो जाए, समझे। अफकोर्स इसमें ये बताया गया कि भक्त जो है उनको देखने के लिए लालायित है, लेकिन हमारे आचार्य जो बताते हैं इससे भी आगे का स्टेप बताते हैं कि भगवान को देखने के लिए लालायित मत हो जाओ, भगवान की इतनी सेवा करो। जैसे वो पैठन प्रतिष्ठानपुर का वो ब्राह्मण था ना, महाराष्ट्र में है ना पैठन, पैठन एक जगह है ना महाराष्ट्र में, उसको शास्त्रों में प्रतिष्ठानपुर कहा जाता है। तो प्रतिष्ठानपुर में एक ब्राह्मण था, उसके पास कुछ नहीं था, दरिद्र था बेचारा, लेकिन वो भगवान की मानसिक सेवा करता था और मन में भगवान को बहुत कुछ छप्पन भोग अर्पण किया करता था, समझ में आया ना। तो एक बार वो भगवान को गरम गरम खीर बना करके परोसना चाहता था, तो उसने मन में कंटम्पलेशन करना शुरू कर दिया, दूध लाया, गरम किया, उसको प्रॉपर जो भी राइस डालना है, कैम्फर डालना है, कपूर वगैरह जो कुछ डालना है, मेवा डालना है, वो सब डाल करके उसने बहुत बढ़िया खीर बनाया और सोचा भी अभी ये खीर जो है एकदम गरम गरम खाऊंगा कि दूंगा तो उनको खाते समय जल जाएगा, तो सोचा थोड़ा खीर ठंडा हो जाए तब अर्पण करूंगा। तो खीर को ठंडा करने के लिए थोड़ी देर रख दिया, उस पर मेडिटेशन कर रहा है कि खीर अभी ठंडा हो रही है, अफकोर्स उस समय में फ्रिज नहीं रहा होगा नहीं तो फ्रिज में भी रख देता था मेडिटेशन में। तो थोड़ी देर के बाद में फिर कंटेम्पलेशन करने के बाद सोचा कि शायद खीर ठंडा हो गया होगा, तो दूध जो देखो ऊपर से तो वो उस पर ही आ जाता ना, पपड़ी आ जाता है, तो लगता है कि ऊपर से ठंडा लग रहा है, पर उसने सोचा सचमुच ठंडा हो गया क्या, तो उसके अंदर उंगली डाला चेक करने के लिए, तो जैसे उंगली डाला वो जल गया। और जब जल गया तो ऐसे हाथ हिलाने लगा, उस समय भगवान विष्णु जो है उसको देख रहे थे। भगवान विष्णु अपने शेष सैया पे पड़े हुए हैं, लक्ष्मी जी उनका चरण दबा रही हैं और भगवान जोर जोर से हंसने लगे। लक्ष्मी जी ने पूछा कि अचानक स्वामी आपको हो क्या गया, क्यों इतना जोर से हंस रहे हैं। तो उन्होंने बोला अभी नहीं आपको बताऊंगा, हंसते ही जा रहे हैं। और तुरंत उन्होंने गरुण को बुलाया और बोला जाओ उसको लेके आओ। उसने अपनी सेवा परफेक्ट कर लिया, उसको वहाँ रहने की जरूरत नहीं है प्रतिष्ठानपुर में, उसको वैकुंठ में लेके आओ। तो गरुण आकर के वैकुंठ में जब उसको लेकर के गए, तब जाकर के उन्होंने लक्ष्मी को बताया कि देखो ये मुझे मानसिक सेवा के द्वारा खीर ऑफर कर रहा था। तो कहना है ये पॉइंट कि भगवान की ऐसी सेवा करो कि भगवान जो है वो क्या हो जाए, भगवान लालायित हो जाए आपसे मिलने के लिए। ये कौन मेरा भक्त है जो इतना बिना किसी अपेक्षा के, हाँ अहतु की अप्रतिहता, समझ में आया ना, इस तरह से सेवा कर रहा है, ये कौन मेरा भक्त है, भगवान जानने के लिए उत्सुक हो जाए। सो इस तरह से लालसा हमको डेवलप करनी चाहिए। और इनफैक्ट लालायित होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने का मूल्य क्या है, भागवत में कहा गया है, हाँ लौल्यम तद एक मूल्यम, लौल्यम तद एकल मूल्यम, एक ही मूल्य है भगवान को प्राप्त करने का। क्या मूल्य है, लालच, क्या होनी चाहिए, लालच होनी चाहिए, और भगवान को प्राप्त करने की लालच होनी चाहिए, समझ में आया ना।
पर लालच डेवलप होने से पहले विश्वास का होना जरूरी है, श्रद्धा का होना जरूरी है। श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से ही हटे थे विकार। तो हम लोगों को लगता है कि 16 माला हमने जप कर लिया तो हो गया, इनफ हो गया, आज के दिन बहुत हो गया, अभी नहीं चाहिए ये, है ना। पर लालच होनी चाहिए, हाँ कितना करूँ कम है, ये जब तक लोभ नहीं होगा इसके लिए, हाँ तब तक हमको वो प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। तो लोभ बहुत महत्वपूर्ण है, तो लालयित होना चाहिए। और जब व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए इस तरह से लालयित रहता है, हाँ भगवान से बार बार निवेदन करता है कि प्रभु मुझे आपकी सेवा में निमग्न करो, हम लोग हरिनाम जप करते हैं, भगवान से निवेदन करते हैं कि हमें अपनी सेवा में लगाओ, और भगवान जब सेवा देते हैं किसी के माध्यम से तो बोलते हैं हम में ही मिला क्या सेवा करने के लिए, दूसरा कोई ब्रह्मचारी नहीं दिख रहा है, है ना। तो सेवा हम मांगते हैं और उसको रिजेक्ट करते हैं, वो तो ऐसे ही हो गया जैसे दिया जलाना और उसको फूंक मार करके बुझा देना। सो अभी ये प्रीलूड हो गया इस श्लोक का, हाँ इतने में आप पूरा समझ सकते हो, ये जिस्ट है। पर अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या डिस्कस करते हैं, वो पैराग्राफ 1 से लेकर 3 में जो बातें प्रभुपाद ने डिस्कस की है, या अनेक पैराग्राफ है तो उसमें हर एक पैराग्राफ में क्या डिस्कस किया वो हम लोग थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। पैराग्राफ 1 से लेकर 3 तक में ये पॉइंट बताया गया कि परम सत्य या परम तत्व के 3 वैशिष्ट्य की चर्चा करते हुए, तो परम सत्य के 3 वैशिष्ट्य क्या हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दिता है, ये परम सत्य के 3 वैशिष्ट्य हैं। तो उसकी चर्चा करते हुए बताया गया है कि भगवान का स्वरूप, जो भगवान का जो तीसरा वैशिष्ट्य है, जो भगवत भगवान जिसको कहा जाता है, वो भगवान स्वरूप जो है बाकी 2 जो वैशिष्ट्य है ब्रह्म और परमात्मा उनका स्रोत है। उनका स्रोत मतलब जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ। और एक जगह कहते हैं कि जो परमात्मा का स्वरूप है उसको भी, परमात्मा को भी मुझे ही जानो, है ना। दूसरा जो पुरुष है वो भगवान कहते हैं ना, येदम शरीरम कौनते या क्षेत्रम अभिधीयते, ये शरीर जो है इसको क्षेत्र कहा गया है, और इस शरीर के अंदर जो निवास करता है, जो रहता है, उसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है। तो कहते हैं कि एक दूसरा भी क्षेत्रज्ञ है, और वो दूसरा क्षेत्रज्ञ कौन है, सर्व क्षेत्रेषु भारत, जो सभी क्षेत्रों में रहता है। एक क्षेत्रज्ञ है जो केवल अपने क्षेत्र तक लिमिटेड है, अपने शरीर तक लिमिटेड है, दूसरा क्षेत्रज्ञ जो है वो सभी शरीरों में रहता है, और भगवान कहते हैं कि उसको परमात्मा को कहते हैं, और वो परमात्मा मेरा ही स्वरूप है। तो भगवान जो है ये सभी स्वरूपों के स्रोत हैं, अर्थात अन्य 2 स्वरूप ब्रह्म और परमात्मा भगवान स्वरूप पर ही आश्रित है। इसलिए भगवान भक्त से इस मंत्र में भगवान स्वरूप को दिखलाने के लिए निवेदन करता है, भगवान के स्वरूप को जानने के लिए, यानी हाईएस्ट वैशिष्ट है। उसको जानने से क्या होगा, कहते हैं कि ब्रह्म स्वरूप का अगर हम ज्ञान रखते हैं तो जो सच्चिदानंद के जो 3 फीचर है, भगवान के ये जो 3 जो स्वरूप के 3 फीचर्स होते हैं, फीचर मतलब होता है उसका जो क्या कहते हैं गुण, सत्य चित और आनंद। सत मतलब होता है शाश्वत, चित मतलब होता है ज्ञान से परिपूर्ण, और आनंद मतलब होता है आनंद से परिपूर्ण। तो जब व्यक्ति केवल भगवान के ब्रह्म ज्योति फीचर को जानता है तब उसको केवल भगवान के सत चरित्र का ज्ञान होता है। उसके आगे जो भगवान का चित्त और जो आनंद स्वरूप है उसका ज्ञान नहीं होता, वो इतना ही जानता है कि भगवान जो है वो शाश्वत है। लेकिन जो परमात्मा स्वरूप को जानता है उसमें जो ब्रह्म स्वरूप के ज्ञान है परमात्मा स्वरूप के ज्ञान में समाहित है। तो उससे क्या होता है, परमात्मा स्वरूप को जो जानता है वो भगवान के सत स्वरूप को या सत फीचर को और चित फीचर दोनों को जानता है। लेकिन जो उसमें फिर भी एक अधूरापन है कि वो आनंद का भगवान का जो गुण है उसको नहीं जानता है। लेकिन जो भगवान को जानता है, भगवान के स्वरूप को, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, जो उस स्वरूप को जानता है वो सच्चित और आनंद 3 फीचर्स को जानता है। इसीलिए भगवंत की अनुभूति जो है वो भगवान की पूर्ण अनुभूति है, ब्रह्म की अनुभूति जो है आंशिक अनुभूति है,
और परमात्मा की अनुभूति भी जो है वो भी आंशिक अनुभूति है। ऑफ कोर्स अंश में कुछ कम होता है, कुछ ज़्यादा होता है, लेकिन भगवान की अनुभूति जो है वो पूर्ण अनुभूति कहलाती है। इसीलिए जो व्यक्ति भगवान के पूर्ण स्वरूप को जानना चाहता है, इसका मतलब है उसने परमात्मा और ब्रह्म को रियलाइज़ कर लिया है, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। सो इसलिए वो भगवान से भगवान स्वरूप को दिखाने के लिए निवेदन करता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च 14 चैप्टर में, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य अविनाशी और शाश्वत है। ये ब्रह्म के क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। क्या है? अमर्त्य है। अमर्त्य मतलब कभी भी नाश नहीं होता है, अविनाशी है, उसका भी ऑलमोस्ट वही मीनिंग है, हाँ, और शाश्वत है। शाश्वत मतलब हमेशा एग्जिस्ट रहने वाला है, और चरम सुख का स्वाभाविक पद भी है। जो भगवान के इस विशिष्ट को जानता है, ब्रह्म विशिष्ट को जानता है, तो ब्रह्म उसको कहते हैं ब्रह्मानंद। समझ में आना, कितने प्रकार का आनंद होता है हम लोग एनओडी में डिस्कस करेंगे, हाँ, लेकिन अगर गिना जाए तो देर आर 11 टाइप्स ऑफ आनंद। कितने टाइप के आनंद हैं? 11 प्रकार के आनंद हैं। सिट डाउन, हाँ, 11 प्रकार के आनंद है। कौन सा सबसे तुच्छ होता है? हाँ, मनुष्य आनंद। मतलब पशु के आनंद की तो वैल्यू ही नहीं है, गणना ही नहीं है। हाँ, सबसे तुच्छ होता है मनुष्य आनंद। मनुष्य को जो आनंद मिलता है, मतलब सबसे बड़ा मनुष्य जो इस जीवन में, बहुत पैसे वाले को बड़ा आदमी बोलते हैं ना, तो वो जितना आनंद भोगता है मैक्सिमम, हाँ, समझ में आया ना। एक्चुअली महाभारत में एक प्रश्न है, हाँ, युधिष्ठिर महाराज विदुर से पूछते हैं कि इस जगत में सबसे बड़ा सुख क्या है, या सबसे सुखी कौन है इस जगत में। समझ में आया ना, तो ऑब्वियसली कोई भी कहेगा कि सुखी मतलब जो अच्छा से खाता है, रहता है ना, सारे भौतिक सुख सुविधा उसको उपलब्ध है, वो ज़्यादा सुखी आदमी है ना। लेकिन सबसे चाव से कौन खाता है पूछा, कौन खाता है बताओ? धनी आदमी, गरीब आदमी, मिडिल क्लास, हाँ, सबसे प्रेम से खा करके बड़ा संतुष्टि का अनुभव कौन करता है? जो 56 भूख खाता है, फिर जो सोयाबीन खाता है क्या होता है? हाँ, विदुर कहते हैं जिसको भूख लगी है उसको जो भी कुछ खाने को मिल गया उसको बड़े आनंद से खाता है, और उसको खा करके उसको परमानंद प्राप्त होता है। लेकिन जिसको भूख नहीं लगी है उसके सामने तुम 56 भोग रखो, सब थोड़ा थोड़ा चखेगा, लेकिन उसको उसमें कोई ज़्यादा रुचि नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उसको भूख नहीं है। तो भूखा आदमी जो है भोजन करके सबसे ज़्यादा आनंद लेता है ना। तो ये सब मनुष्य आनंद में गिना जाता है। मनुष्य आनंद से श्रेष्ठ क्या है? इससे ऊपर के लोग जो है वो गंधर्व लोग कहलाता है ना। तो गंधर्व आनंद उसके ऊपर है, गंधर्व देव गंधर्व, हाँ, सो देव गंधर्व आनंद। उसके बाद में है देवानंद। देवानंद मतलब जो देवताओं को आनंद मिलता है, ये हमारा हीरो नहीं देवानंद है देवताओं को जो आनंद मिलता है वो देवानंद कहलाता है। उसके बाद में देवताओं में भी सबसे श्रेष्ठ आनंद किसको मिलता है? मनुष्यों में राजा को सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है ना, क्योंकि उसके पास बहुत कुछ फैसिलिटी रहता है। तो उसी तरह से इंद्र का आनंद जो है उसको इंद्रानंद बोलते हैं, इंद्र को जो आनंद मिलता है। और इस तरह से ब्रह्मा तक, इस जगत में सबसे, इस भौतिक जगत में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा को जो आनंद मिलता है उसको ब्रह्मानंद कहा जाता है, उसको ब्रह्मानंद कहा जाता है। तो यहाँ पे बताया है कि जो व्यक्ति को ब्रह्म का, या एक तो देवता जो ब्रह्मा है उसको जो आनंद मिलता है उसको ब्रह्मानंद कहते हैं, और उससे भी श्रेष्ठ है जो ब्रह्म पद को प्राप्त किया हुआ है। ब्रह्म पद मतलब ब्रह्मा का पोजीशन नहीं, जो ब्रह्म ज्योति में लीन हो गया है, उसको भी उससे श्रेष्ठ आनंद मिलता है।
लेकिन भक्ति का आनंद जो है, कहते हैं कि ये ब्रह्मानंद जो सर्वश्रेष्ठ इस जगत का आनंद है, उसको अगर परार्ध गुना मतलब क्या होता है मालूम है, हजार से भी ज़्यादा होता है परार्ध, अगर उस करोड़ गुना मल्टीप्लाई करेंगे किसको, जो ब्रह्मा आनंद है, तो भी उसका जो मल्टीप्लिकेशन का जो फैक्टर आएगा, मतलब गुणा करके जो गुणीकृत किया ना, गुणा किया तो उससे जो रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट भी जो है भगवान का जो सेवानंद है, भक्ति में सेवा करने से जो आनंद मिलता है उसके एक कण के बराबर भी नहीं है। ये हम लोग पढ़ेंगे, भक्ति का 6 लक्षण है ना, उसमें भक्ति का एक लक्षण क्या है, सांद्र आनंद। तो उस पोजीशन में आता है कि भगवान की भक्ति करना किस प्रकार से कंडेंस ब्लिस है, समझे। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्रह्म पद जो है वो बड़ा सुखकारी है, लेकिन उससे भी सुखकारी क्या है, भगवान की सेवा का जो आनंद है। ऑफ कोर्स जो सेवा करेगा उसका, और सेवा मतलब होता है प्रेम, प्रेम में सिर्फ देना होता है, लेना नहीं होता है। तो जो आदमी लेने के लिए सेवा कर रहा है वो व्यापारी है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जो व्यापारी है वो जितना देगा उसको उतना ही अनुभव होगा, समझ में। जो व्यापारी नहीं है वो जो देने में आनंद है उसको, सिर्फ देना देना देना, एक्सपेक्टेशन नहीं है लेने का, वो सुख का भाव अलग है, समझे। आप भी देखो किसी को निस्वार्थ भाव से भोजन ही करा के देखो, आपको देखो कितना सुख मिलता है उससे, है ना। निस्वार्थ भाव से कोई भी कार्य करो उससे सुख प्राप्त होगा आपको, आप अनुभव कर सकते हैं, एक दो करके देखो। जगत में मोस्टली लोग करते नहीं है, समझ में आ रहा, हर कार्य के पीछे, इवन ब्रह्मचारी को बुला करके खिलाएंगे भी तो भी सोचेंगे कि कुछ तो पुण्य मिलेगा है ना, उनका कुछ तो एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये किया तो कुछ तो कुछ मिलना चाहिए, कुछ नहीं मिल रहा है नहीं करेंगे कुछ, समझे। पर जगत में निस्वार्थ भाव से कुछ कर्म करके देखो, आपको अनुभव होगा कि उससे कितना सुख मिलता है। सो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्म का सुख इस जगत में मिलता है, उस सुख के भी स्रोत कौन है, भगवान है। ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है, स्टार्टिंग है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार के मध्य या द्वितीय अवस्था है, और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है। इसको कहते हैं भगवान के 3 फीचर्स को रियलाइज करना, और इसको कौन अनुभव करता है, तत्वविद। कौन अनुभव करता है, तत्वविद। तत्वविद किसको कहा जाता है, अरे मैं ऐसे शब्द यूज़ करूँगा और आप लोग जानेंगे ही नहीं, तो मैं इसको यूज़ करके फ़ायदा क्या है, नहीं मैं पंडित पंडा नहीं पूछा, आपका नाम पंडा है ना इसलिए वो नहीं पूछा मैंने। तत्ववित्त, वित्त मतलब जानने वाला, तत्व माने परम सत्य को, तो परम सत्य को जो जानता है उसको तत्ववित कहा जाता है। तो वदन्ति तत् मतलब उसको, परम सत्य को तत्ववित, वदन्ति मतलब बताते हैं, क्या बताते हैं, अद्वयम, अद्वय मतलब एक है, दो नहीं है, द्वय मतलब दो, अद्वय मतलब एक, है ना। कोई तो मेरे को पूछ रहा था उडुपी में, एक क्वेश्चन पूछा था कि बुद्धा का अपेयरेंस हुआ तो लोगों को वेदों से परे कर दिया है ना, शंकराचार्य ने आकर के मोनोइज्म का प्रचार किया, हाँ उसके बाद में फिर रामानुजाचार्य प्रकट हुए, तो रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत का, द्वैताद्वैत जिसको भी कहा जाता है, उसका प्रचार किया, और उसके बाद में मध्वाचार्य ने आकर के उन्होंने अद्वैत का प्रचार किया। तो ये मोनोइज्म, हाँ डुअलिज्म, ये सब क्या है, वो कंफ्यूज हो रहा था। तो आप लोग बताइए क्या है,
मोनोइज्म बोलते हैं ना, एकात्मवाद जो संघ इसने प्रचार किया, किसने? शून्यवाद का प्रचार किसने किया है? बुद्धा ने। सब जगत पूरा क्या है? शून्य है। लेकिन शंकराचार्य ने बोला शून्य नहीं है, सब कुछ एक है। सब कुछ एक का मतलब मोनोइज्म, मोनो मतलब सिंगल होता है, समझ में आया ना। लेकिन रामानुजाचार्य ने आकर के क्या कहा, सब कुछ एक नहीं है, सब कुछ साथ साथ में एक भी है और दो भी है। क्या बोला उन्होंने? एक भी है और दो भी है। उसको विशिष्ट अद्वैत कहते हैं, विशिष्ट प्रकार से, विशेष प्रकार से एक भी है और दो भी है। मतलब डायरेक्ट ट्रांजिशन नहीं कर दिया, लेकिन मध्वाचार्य ने आकर के बोला नहीं, सब कुछ दो है। समझ में आया ना। तो ये धीरे 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 इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। सो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि परमात्मा को जो जानने वाले तत्वविद होते हैं, भगवान को जो जानने वाले तत्वविद होते हैं, या परम सत्य को जो जानने वाले तत्वविद होते हैं, वो बताते हैं कि वो परम सत्य जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, परम सत्य माने उससे बढ़कर के दूसरा सत्य नहीं है। भगवान भगवद्गीता में क्या कहते हैं, मत्तः परतरम न अन्यत किंचिदस्ति धनंजय। इस जगत में है अर्जुन, मुझसे बढ़कर के दूसरा कोई परम सत्य नहीं है, मैं अकेला सत्य हूँ इस जगत में। अकेला सत्य मीन्स सत्य, परम सत्य का परिभाषा क्या है बताया था मैंने एक बार आप लोग को, बताइए। अरे यार आप लोग ऐसे मेरे को निराश करते हो। इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम प्लेस एंड सरकमस्टेंस, हाँ, देश काल और परिस्थिति के अनुरूप जो चीज बदलता नहीं है, क्या है? देश काल और परिस्थिति के अनुसार जो चीज बदलता नहीं है, ऐसा का वैसा ही रहता है, वही एब्सोल्यूट ट्रूथ कहलाता है। मतलब वो यहाँ इस स्वरूप में जैसे है, ऐसे ही वो सब जगह रहेगा। ब्रह्मांड में कहीं भी चला जाए, वो उसी रूप में रहेगा सब जगह, उसका स्वरूप कभी भी बदलेगा नहीं। पर इस जगत में हम देखते हैं कि टाइम प्लेस एंड सरकमस्टेंस के अनुसार स्थितियां, परिस्थितियां, वस्तुएं सब बदल जाती हैं, पर एक चीज नहीं बदलते हैं, वो कौन है? भगवान, और भगवान से कनेक्टेड जो आत्मा है, भगवान का जो अंश है, वो कभी भी नहीं बदलता है। उसका शरीर हजार बार बदलेगा पर आत्मा नहीं बदलती है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, है ना। उभयोरपि दृष्टांतस्य, दोनों को जानने वाले लोग क्या कहते हैं? आत्मा कभी भी बदलती नहीं है, यानी भगवत तत्व जो है वो कभी भी बदलता नहीं है, लेकिन जो भगवान से भिन्न प्रकृति है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहेगी। तो एब्सोल्यूट ट्रूथ मतलब वो सत्य जो अद्वय है, जो कभी भी दो नहीं है, सिंगल है, लेकिन अपने आप को तीन रूप में व्यक्त करता है। पॉइंट समझे क्या? एक है लेकिन तीन रूप में व्यक्त करता है। तो तीन रूप क्या है उसका? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ये हम लोगों ने बहुत बार सुन लिया है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान क्या होता है। लेकिन जो तत्वित होते हैं, हाँ, वो भगवान के परम सत्य, जो भगवान का चरम साक्षात्कार है, उसको समझ पाते हैं। तो तत्ववित बनना चाहिए। तत्ववित कैसे बनेंगे? लोहा जो है आग कैसे बनेगा? लोहा आग कैसे बनेगा? हाँ, आग के संपर्क में रहेगा तब, समझ में आया ना। तो हम तत्ववित कैसे बन सकते हैं? घर में बैठे बैठे नहीं, जो तत्व को जानने वाले हैं उनका संग करने से हम क्या बनेंगे? तत्ववित बनेंगे। भगवद्गीता में भगवान भी कहते हैं, क्या कहते हैं? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्तिते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना। जिन्होंने तत्व को जाना है वो लोग बता सकते हैं कि तत्व क्या है। तो तत्व को कैसे जाना है? तत्व से साक्षात्कार करके। तत्व से कैसे जाना है? तत्व के साक्षात्कार करके। मतलब परम सत्य को प्राप्त करने का जो तरीका है, उस तरीकों को उन्होंने अपने जीवन में उतारा है, तब जाकर के वो परम सत्य को अनुभव कर पाए हैं। और जब परम सत्य को अनुभव कर सके हैं, तो वो लोग दूसरों को परम सत्य
दे सकते हैं। बाकी जिसने अनुभव नहीं किया है वो कभी भी नहीं दे सकता है। और एब्सोल्यूट ट्रूथ कौन है? भगवान भगवद गीता में क्लियरली कहते हैं मत्तः परतरं न अन्यत्, मुझसे बढ़कर के इस जगत में दूसरा कोई सत्य नहीं है। तो जो कृष्ण को परम सत्य बताता है और कृष्ण की ही उपासना बताता है उसी को बोलते हैं पुरुषार्थ विचार, तत्व विचार, है ना, बताया था ना। और उपासना का जो मतलब भगवान को प्राप्त, भगवान कौन है ये जानना, कैसे प्राप्त करना ये जानना, समझ में आया ना, उनको प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है ये जानना। जो व्यक्ति ये जब तक नहीं जानता है तब तक वो व्यक्ति आपको भगवान असली में कौन है ये बता नहीं सकता है। क्योंकि वो स्वयं कन्फ्यूज रहता है तो वो आपको भी क्या करेगा, कन्फ्यूज करेगा, क्या करेगा, कन्फ्यूज करेगा। सिंपल, जो आदमी खुद कन्फ्यूज्ड है वो दूसरे को कन्फ्यूज करेगा। गौरव प्रभु एक बहुत बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहे थे, आपका हाइट जितना है आप किसी भी वस्तु को उसी हाइट तक उठा सकते हैं, उससे ऊपर उस वस्तु को, चाहे वो हल्का हो चाहे भारी हो, आपका जो हाइट है उससे ऊपर उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं। इसका मतलब आप जितना जानते हैं उससे ज़्यादा नहीं बता सकते, समझ में आया ना, उससे ज़्यादा नहीं बता सकते। इसीलिए जानना आवश्यक है, एब्सोल्यूट ट्रूथ को जानना आवश्यक है और वो भगवान का परम वैशिष्ट्य है। तो यहाँ पे भक्त जो है भगवान से वही निवेदन कर रहा है कि मैं आपको जानना चाहता हूँ, पर भगवान उसको अपना स्वरूप दिखाने के बजाय भगवान उसको क्या करेंगे, भगवान उसको स्वरूप जानने का तरीका बता देंगे। तो जो व्यक्ति भगवान की शरण में आता है या भगवान के भक्त की शरण में आता है भगवान को जानने के उद्देश्य से, तो भगवान उसको सही मार्ग पर ला करके खड़ा कर देते हैं। यहाँ तक कि जो डेमीगॉड वर्शिपर भी हैं, अगर वो भगवान के तत्व को जानने के उद्देश्य से उनकी उपासना कर रहे हैं तो वो लोग भी उसको क्या करते हैं, भगवान कृष्ण के मार्ग में ला करके उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं, जिससे कि वो भगवान को जान सकेगा अच्छी तरह से। क्यों? क्योंकि वो जगत में भगवान एक ही है ना, वही परम सत्य है। और उसको जानने का तरीका क्या है, जो उनको जानता है उनका संग करो। इसीलिए कहा गया तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवा अभी गच्छेत। भगवान उस ज्ञान को जानने के लिए, परम सत्य को जानने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। और गुरु कौन होगा, दाढ़ी वाला, हाँ, टकला, जटिला मुंडा, है ना, गेरुआ वस्त्र, कसाय वस्त्र, सफेद वस्त्र, झोंगा पहना हुआ, जटिल जटा बांधा हुआ, कौन है गुरु? 80 साल का है, 50 साल का है, 100 साल का है, 2 साल का है, कौन होता है गुरु? कौन है गुरु? यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। कीवा विप्र कीवा न्यासी शूद्र के ने नय, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। जो कृष्ण को तत्वतः जानता है वही गुरु है। और कृष्ण कौन है? एब्सोल्यूट ट्रूथ। सो इसकी चर्चा की गई है इसमें, भगवान और भगवान के चरम सत्य के चरम साक्षात्कार हैं। इसी में बताया गया है, भगवान देखो बता रहे हैं, मत्तः परतरं न अन्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ सत्य कोई नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। और फिर भगवान 10वें अध्याय में अर्जुन से कहते हैं, जब अपने बारे में ज्ञान देते हैं, अथवा बहु नयते न किम ज्ञाते न तवा अर्जुन पिष्टभ्याम इदम कृत्स्नम एकांशे न स्थितो जगत। लेकिन हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है? कृष्ण को जान लो, वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्य वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। कृष्ण को एक बार व्यक्ति अगर जान गया तो उसको इस जगत में और दूसरा कुछ जानने के लिए नहीं रह जाता है। और भगवान भगवद गीता में कहते भी हैं, है ना, क्या कहते हैं, हाँ, ज्ञानम तेग स विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा भूयो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इस जगत में, भौतिक जगत में ये बात जो जान गया, क्या, कौन सी बात, जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ। भगवान कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? अपने बारे में ज्ञान दे रहे हैं। भगवद गीता में किसके बारे में ज्ञान दे रहे हैं? अपने बारे में ज्ञान दे रहे हैं।
उनको कैसे प्राप्त करना है वो तरीका बता रहे हैं। संबंध, अविधेय और प्रयोजन, तीन चीज़ें बता रहे हैं भगवान भगवद गीता में। तो जो व्यक्ति ये जान जाता है उसको इस जगत में और कुछ दूसरा जानने की आवश्यकता नहीं है। इसी ज्ञान से वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अब कोई व्यक्ति सोचेगा ओफे मेरा जीवन का लक्ष्य रोटी कपड़ा मकान है, हाँ, और इससे मिलेगा क्या? मिलेगा, विश्वास होना चाहिए। समझे, विश्वास होना चाहिए कि मिलेगा, 100% मिलेगा। मैं एक अंश से मात्र से इस समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ और इसका पालन भी मैं ही करता हूँ, भगवान कहते हैं। ये एक से लेकर तीन पैराग्राफ में डिस्कस किया है, चार से पाँच में डिस्कस किया गया है। भगवान श्री कृष्ण आनंद के सागर हैं और यह हम उनके वृंदावन की बाल लीलाओं से देख सकते हैं। भगवान जो है वो क्या है, आनंद के सागर हैं। कृष्णा द रिजर्वायर ऑफ ऑल प्लेजर, ऑल प्लेजर कहा है, संपूर्ण आनंद, जितना भी जगत में आनंद है सब कुछ कहाँ पे है, कृष्ण के शरण में है, कृष्ण के चरण कमलों में है। और वो आनंद किसको प्राप्त हुआ है, ब्रज के लोगों को, है ना, या जो ब्रज के भाव में है उनको। वो आनंद जगत में आनंद ढूंढने वालों को नहीं मिलेगा। जो लोग ब्रज में आनंद ढूंढ रहे हैं, ब्रज मतलब क्या होता है? ब्रज मतलब क्या होता है? निकट के पार्षदों का स्पेकुलेशन चालू है। ब्रज, माम एकम शरणम ब्रज, भगवान क्या कह रहे हैं, माम एकम शरणम ब्रज, मेरे अकेले के शरण में ब्रज हो जाओ। ब्रज माने ब्रज के भाव में आओ, ब्रज माने माम एकम शरणम, मुंबई नहीं बोला है, क्या बोला है, माम एकम शरणम ब्रज, जो ब्रज के लोगों का मेरे साथ संबंध है वो संबंध से, वो भाव से मुझसे कनेक्ट हो जाओ। समझ में आया ना? तो ब्रज माने होता है, एक तो ब्रजवासी, ब्रज जहाँ पे ब्रज के लोग रहते हैं, और ब्रज का एक्चुअली अर्थ होता है गोचारण भूमि, जहाँ गायें चरने के लिए जाती हैं। समझ में आया ना? तो कृष्ण का नाम जो है, कृष्ण का गांव जो है वो कहाँ पे है, गोलोक। गोलोक माने जहाँ पे गायें ही गायें रहती हैं। वो लोक का नाम गायों के नाम से पड़ा है, कृष्ण के नाम से नहीं पड़ा हुआ है। और कृष्ण का एकमात्र कार्य क्या है, लक्षावृते सुसुरभीर अभिपालयंतम, क्या करते हैं, लाखों की संख्या में गायों को रोज चराते हैं, बछड़ों को चराते हैं, गायों को चराते हैं, बाकी दुनिया में क्या करते हैं। और फिर भी कहते हैं इसके पहले वाले एक अंश है न स्थित जगत। मैं संपूर्ण जगत को एक अंश से क्या करता हूं, संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं एक अंश से व्याप्त हूं और इसका पालन भी मैं करता हूं इसी अंश से। और पूरे अंश से क्या करते हैं, गाय चराते हैं। समझ में आया ना, गाय चराते हैं। तो अगर आपको भी भगवान को प्राप्त करना है तो क्या करना है, गाय चराना होगा। गाय, गाय को गो कहा गया है ना, गो का दो अर्थ होता है, गो माने इंद्रिय और गो माने गाय। तो भगवान गाय चराने वाले, गोचारण करने वाले हैं, मतलब वो हमारी इंद्रियों को भी चराते हैं। क्या करते हैं, वो हमारी इंद्रियों को भी चराते हैं, मतलब जिस तरह से गायें कृष्ण को समर्पित हैं उसी तरह से हमारी इंद्रियां भी अगर कृष्ण को समर्पित हैं, गायें जब तक कृष्ण को समर्पित हैं तो जहाँ जहाँ कृष्ण जाते हैं गाय वहाँ वहाँ चली जाती हैं। समझ में आया ना? वहाँ पे क्या नाम है आपका, काम्यवन, काम्यवन में चरण पहाड़ी है, चरण पहाड़ी के पास में एक जगह है पसोपा, सुना होगा नाम, नहीं सुना है, पसोपा मतलब होता है पशु का पैर, पशु माने गाय। तो एक बार कृष्ण बलराम से कहते हैं कि ये मेरे जो बाल सखा हैं इनका मेरे से कितना प्रेम है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हाँ, कि वो मेरे लिए कितना छटपटाते रहते हैं। तो सारे ग्वाल बाल खेलने में मस्त रहते हैं और यहाँ कृष्ण और बलराम जो है उनसे छुप करके भाग जाते, छुप जाते हैं।
तो जब कृष्ण और बलराम जो है ये ग्वाल बाल जो खेलते रहते हैं उनसे, वो खेलने में मशगूल हैं तो वो चले जाते हैं जब, तो गाय देखती है कि कृष्ण और बलराम जा रहे हैं तो गाय भी उनके पीछे पीछे चली जाती है, समझे ना। तो इंद्रिय अगर भगवान को फॉलो करती है, इंद्रिय का काम क्या है, हाँ, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति आरंभ स्टार्ट होती है, प्रेम तभी चालू होता है जब हम कृष्ण की सेवा करना शुरू करते हैं अपनी इन इंद्रियों से। और जब गायें कृष्ण को या हमारी इंद्रियां जब कृष्ण का अनुसरण करती हैं तब कृष्ण के पीछे पीछे जाती हैं। तो वो पसोपा में बताते हैं कि जब ग्वाल बालों को पता चलता है, खेलने से थोड़ा निवृत्त होते हैं तो उनको लगता है कि अरे कृष्ण बलराम तो नहीं है, तो कृष्ण बलराम को ढूंढने लगते कहाँ गए ये लोग, और गाय भी नहीं दिख रही हैं, तो परेशान हो जाते हैं, बड़े बेचैन हो जाते हैं। ये लोग दूर से खड़ा होकर के ऊपर से देख रहे हैं, पहाड़ के ऊपर से पहाड़ के ऊपर से देख रहे हैं कि ये ग्वाल बाल जो है अभी हमको ढूंढ रहे हैं, बड़े परेशान हैं, रो रहे हैं सब, कहाँ गए कृष्ण। फिर बाद में बहुत ढूंढने के बाद में वो देखते हैं कि हमारी गायें भी नहीं दिख रही हैं, लेकिन गायों के एक दिशा में जाने का उनके पैरों का निशान है। तो गायों के पैरों का निशान जो है वो लोग फॉलो करना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे वो गायों के पैरों का निशान फॉलो करते करते वो कृष्ण के पास पहुँच जाते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं पशोपा। तो हम लोग भी अगर कृष्ण की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाएंगे और कृष्ण में पूरी तरह से हम आस्था रखेंगे, पर कभी कभी क्या होता है, गायों को भी चरने की इच्छा रहती है, इंद्रियों को भी भोग करने की इच्छा रहती है। अगर गायें कृष्ण को भूल करके घास पे ध्यान केंद्रित करके चढ़ते चढ़ते उसमें लग गई तो कृष्ण को भूल जाती है और भटक जाती है, समझे। इंद्रियां भी अगर भोग में लग गई तो वो भी क्या हो जाता है, कृष्ण को भूल करके भटक जाती है। लेकिन जब कृष्ण जो है बांसुरी बजाते हैं तो सारी गायों को बुला लेते हैं, है ना, और जिस गाय ने कृष्ण की बात माना वो वापस आ जाती है, जो नहीं मानती है तो वो दूर हो जाती है। उसी तरह से जो इंद्रिय कृष्ण की बात मान करके अगर भटक भी रही है तो अगर फिर से कृष्ण की शरण में आ जाती है तो बच जाती है, लेकिन अगर नहीं, इंद्रिय विषयों में अगर आसक्त हो जाती है इंद्रिय, तो फिर क्या हो जाता है, कृष्ण को भूल जाती है और फिर माया के अधीन हो जाती है। सो यही बता रहा है कि भगवान की ये जो वृंदावन की लीलाएं हैं, वो उससे पता चलता है कि कृष्ण को छोड़कर के इस जगत में दूसरा आनंद का कोई सागर नहीं है। कृष्ण से संबंध बनाने में कृष्ण की लीलाओं का, चाहे आप लीला में पार्टिसिपेट करो या लीला का श्रवण करो या लीला का ड्रामा करो, चाहे जो कुछ करो, लीला पढ़ो, लीला श्रवण करो, कुछ भी करो, आनंद ही आनंद है। आनंद है या नहीं है बताइए, आप लोगों को अनुभव है कि नहीं इसका। यद्यपि कोई लीला लौकिक दृष्टि से अनैतिक भी लगे तो भी उसमें आनंद है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, भगवान चोरी की लीला करते, माखन चोरी की लीला, भगवान माखन चोरी की लीला क्यों करते, बताया था आप लोग को एक बार, एनीबडी रिमेम्बर, सूरदास जी लिखते हैं, स्पेकुलेट मत करो सूरदास जी लिखते हैं कि एक बार मदर यशोदा कृष्ण को माखन खिला रही थी, और कृष्ण जो है माखन खिला रही थी मतलब वो माखन मिश्री कुछ और तो दे रही थी कृष्ण को, तो और बहुत सारा पकवान वगैरह कृष्ण को ऑफर कर रही थी। तो कृष्ण अपनी माँ से कहते हैं कि यशोदा मैया से, हाँ, मैं यारी मोहि माखन भावे, जो मेवा पकवान देती तू मोहि ना ही रुचि आवे क्या बोले वो, नहीं, मैयारी मोहि माखन भावे, मम्मी मुझे केवल माखन अच्छा लगता है, ये जो तू मेवा पकवान, मेवा मतलब सूखा फल, पकवान मतलब ये बाकी 56 भोग, ये जो तू मुझे खिलाती है इसमें मेरे को कोई रुचि नहीं है, आई डोंट लाइक ऑल दिस थिंग्स, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ माखन चाहिए। ब्रज युवती ठाढ़ी एक बाछे सुनत श्याम की बात, सूरदास जी बहुत बढ़िया लिखते हैं। उसी समय जब कृष्ण अपने माँ से ये बात कर रहे थे तो एक ब्रज की गोपी यशोदा के पीछे खड़ी थी और लाला जो है यशोदा से क्या बोल रहे थे वो सुन रही थी। तो सुनते सुनते उसके मन में आने लगा भाव, काश
ये लड़का मेरे घर भी आकर के माखन मांगता है, मैं माखन बना के रखती और ये आकर के चोरी करके खा लेता है, कितना आनंद आता है। तो भगवान चूँकि सबके हृदय में अंतर्यामी है, वो गोपी के मन की बात समझ गए, गोपी के मन की बात समझ गए। और उसके बाद में सोचा उन्होंने कि मैं ये ब्रज में क्यों आया, पैदा ही होना था भौतिक जगत में तो कहीं और जा सकता था, ये ब्रज में मैं आया किसके लिए, अपने ब्रज के भक्तों के साथ में आदान प्रदान करने के लिए तो आया, उनको सुख देने के लिए ही तो आया। और उनका सुख किस में है, वो चाहते हैं कि मैं उनके घर में आऊँ, उनका माखन चोरी करके खाऊँ। तो कृष्ण जो है वो एक ये रिजॉल्व करते हैं अपने मन में कि आज मैं जाऊँगा इस गोपी के घर। तो कृष्ण जो है एक चोर की तरह से गोपी के घर के सामने पास जाते हैं। तो घर के पास जब पहुंचते हैं तो इधर उधर सब चारों तरफ देखते हैं कि कोई फॉलो तो नहीं कर रहा है। वो गोपी देख लेती है कि कृष्ण आ रहे हैं, तो वो क्या करती है, अपने माखन की मटकी जो है वो ओसारे में निकाल करके रख देती है आंगन में और खुद एक खंभे के पीछे जा कर के छुप जाती है। ये सुनाया था ना पहले, एक बार याद आया, भूल गए, छुप जाती है। तो कृष्ण चोर की तरह से इधर उधर देख करके अंदर घुसते हैं और अंदर घुसने के बाद में देखते हैं कि माखन की हंडी तो पड़ी है लेकिन कोई इधर दिख नहीं रहा है। हाँ, तो जा कर के कृष्ण जो है और वो माखन जो है निकाल करके खाना शुरू करते हैं। और जब माखन खाने लगते हैं तो उसी समय जो मणिमय खम्भ है, खम्भ में जो मणियाँ लगी हुई हैं, उस मणियों में कृष्ण जो है अपना ही खुद का प्रतिबिंब देखते हैं। अपना प्रतिबिंब देख करके कृष्ण को लगता है कि मतलब वो ऐसे दिखाते हैं कि अरे लगता है मैं अकेला ही नहीं, और कोई चोरी करने के लिए आया है या शायद ये मेरे को पकड़ने आया है। हाँ, तो कृष्ण बोलते हैं कि देखो भाई, प्रथम बार मैं चोरी आयो, बड़े बने हैं संग, हाँ मेरा और तुम्हारा बड़ा अच्छा संग है, तुम भी लगता है पहली बार चोरी करने के लिए आए हो, मैं भी पहली बार चोरी करने के लिए आया हूँ, तो ये काम करो, हम दोनों एक दूसरे को देख लिए हैं, हम दोनों का उद्देश्य एक ही है, तो बताना मत घर वालों के या और किसी को कि हम यहाँ पे चोरी करने के लिए आए हैं। देखो ये मैं माखन खा रहा हूँ, बहुत मीठा माखन है, तुम भी लो खाओ। तो अपने हाथ से निकाल लेके माखन कृष्ण जो है उसको मणिमय खम्भे देना शुरू करते हैं। तो जब वो माखन दे रहे हैं तो हाथ से ऐसे माखन खोल के हाथ दिया तो माखन नीचे गिर गया। तो कृष्ण कहते हैं अरे अरे, इतना बढ़िया स्वादिष्ट माखन है, तुम गिरा क्यों रहा है, तुमको कम लगा क्या, ये गुस्सा में है क्या। हाँ, बोलो तो पूरा कमोड़ी उठा करके दे दूँ, पूरा हंडी उठा करके तुमको दे दूँ, लेकिन ये इतना बढ़िया माखन है फेंकते क्यों, खाओ खाओ इसको। तो जब वो कृष्ण उससे इस तरह से बात कर रहे थे, वो गोपी सुन रही थी सब, और वो कृष्ण की ये बातें जो है सुन करके वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई। और जैसे ही वो हंसते हुए सामने आ गई खंभे से तो कृष्ण ने उसको देख लिया कि अरे ये तो आ गई है। तो कृष्ण जो है तुरंत भाग चले उधर से, भाग करके गली में आए और गली में आकर के सोचने लगे कि देखो ये गोपी चाहती थी कि मैं इसके घर में आऊँ और यहाँ आकर के इसके साथ में ये लीला करूँ, और ये लीला मैंने छोटी सी ड्रामा किया तो उसको कितना आनंद मिला। तो आज से मैं हर गोपी के घर में जाके चोरी करूँगा। समझ में आया ना। हाँ, तो वही लिखते हैं कि प्रथम हरि करी चोरी माखन चोरी। हाँ, पहली बार जब भगवान ने माखन चोरी किया उसके बाद में वो मन में सोचने लगे कि मैं इस ब्रज में आया हूँ किसके लिए, ये ब्रजवासियों को सुख देने के लिए, और ब्रजवासियों का सुख इसी में है, तो आज से मैं माखन चोरी करूँगा। और इस तरह से भगवान अपने आप को माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध करा देते हैं। समझ में आया ना। तो ये चोरी देखने में क्या लगता है, आजकल कोई चोरी करे तो पुलिस पकड़ के लेके जाएगा, है ना, लेकिन कृष्ण ने जो चोरी किया है आज तक लोग उस चोरी को स्मरण करते हैं, उससे अपने आप का शुद्धिकरण भी करते हैं। हाँ, और क्या बन जाते हैं, भगवान के परम भक्त बन जाते हैं चोरी की लीला सुन सुन करके, है ना। ऐसा नहीं है कि ये चोरी की लीला सुन करके हम बड़ा चोर बन जाते हैं। क्या हो जाता है, चोरी की लीला सुनकर के हम चोर नहीं बनते, उल्टा हमारा प्यूरिफिकेशन हो जाता है, हम भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो यद्यपि दूर से या ऊपरी तौर से देखने पे लगे कि अनैतिक है, अगर इसके सिद्धांत को हम अच्छी तरह से समझेंगे तो ये हमको ऊपरी तौर से भी अनैतिक नहीं लगेगा,
क्योंकि कृष्ण किसी की चोरी नहीं करते हैं, इस जगत में सब कुछ तो उनका ही है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, इस जगत में सब कुछ कृष्ण का है ना, तो चोरी किस कौन कर रहा है किसका? अपना सामान लेना, हाँ खुद उठा करके ले लेना, ये चोरी है। लेकिन भगवान उसको इस रूप में लीला के रूप में परिणित करते हैं, कन्वर्ट करते हैं उसको इस तरह से लीला के रूप में कि ऊपरी तौर से देखने में लगता है कि ये चोरी है, पर वो वास्तव में चोरी नहीं है। तो चोरी क्या है और चोरी क्या नहीं है ये हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं। जब हम ये सारी चीज़ें समझ जाते हैं तो भगवान जो अपाप विद्धम है, हमने पढ़ा था ना पहले, शुद्धम अपाप विद्धम, भगवान जो है उनको कोई भी पाप नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो पाप करते ही नहीं है। पाप नहीं करेंगे तो पाप क्यों लगेगा? और पाप किसको कहा जाता है? जानबूझ करके प्रकृति के नियम का उल्लंघन करना। तो प्रकृति में हमारी वस्तु नहीं है और उसको बिना उसकी किसी की अनुमति के ले लेना, वो चोरी है। भगवान को किससे अनुमति लेने की जरूरत है भाई? सब कुछ तो उनका ही है ना। तो ये चोरी के तत्व को हम जब जानते हैं तब हमको लगता है कि भगवान वास्तव में नैतिक है, अनैतिक नहीं है। पॉइंट समझ में आया? तो भगवान की इन लीलाओं को देखने से ये आनंद का सागर उमड़ पड़ता है। और ब्रज के लोग जो है इस लीला को कैसे इंजॉय करते हैं उसका रूप गोस्वामी जी, सॉरी सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो के 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजुहृत पुण्य पुंजा। भगवान श्री कृष्ण संतों के लिए ब्रह्मानंद के मूर्तिमान अनुभव है। भगवान कृष्ण से जो व्यक्ति संपर्क में आ गया उसको सर्वश्रेष्ठ आनंद की अनुभव होने लगता है। दास्य भाव से युक्त भक्तों के लिए आराध्य देव हैं, माया मोहित विषयाश्रित जनों के लिए मनुष्य के बालक हैं। हाँ, मतलब जो माया मोहित हैं वो लोग भगवान को एक मानव के रूप में देखते हैं। और भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में, जो मानव के रूप में देखता है? मूढ़ो, क्या कहते हैं? मूढ़ो नाभ जानाति मानुषिं तन्म आश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिं तन्म आश्रितम्। मनुष्य के रूप में देख करके मुझे लोग लगता है कि मैं उनके जैसा साधारण व्यक्ति हूँ, पर भगवान कौन है? पर जो माया मोहित लोग हैं, विषयाश्रित लोग हैं, जिनको संसार में विषयों से आसक्ति है, ऐसे लोगों के लिए भगवान जो है वो भगवान के रूप में नहीं जान पाते हैं। हाँ, वही पुण्य समूह एकत्रित करने वालों के लिए ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं। लेकिन जिनका पुण्य जागृत हो जाता है, कृत पुण्य पुंजा, हाँ, उनके साथ में भगवान जो है साक्षात पर्सनली आकर के खेल रहे हैं। ब्रह्मा तक देवता भी भगवान को उस स्वरूप में देख करके जान नहीं पाते, ब्रह्म इंद्र इत्यादि सब जो है भ्रमित हो जाते हैं। 6वें पैराग्राफ में बताते हैं कि भगवान की इन लीलाओं में प्रवेश कर पाना इतना आसान नहीं है। कैसे प्रवेश करेंगे? स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस। क्या करना पड़ेगा? रागानुग भक्ति, है ना। भक्ति के 3-4 प्रकार हैं, सामान्य भक्ति, सामान्य भक्ति, उसके बाद में वैधी भक्ति, फिर वैधी भक्ति के अंतर्गत आता है रागानुगा भक्ति, समझ में आया ना, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। ये ऐसे भक्ति के 4 स्वरूप हैं। तो रागानुग भक्ति क्या कहलाती है, ये शब्द का विश्लेषण करो। करो करो, आप तो करो। हाँ सही है, राग अनुग, अनुग माने हाँ पीछे पीछे गमन करना, अनुगमन, पीछे पीछे चलने वाले को अनुग कहा जाता है। अनुगमन, पीछे पीछे चलना, गमन माने चलना होता है ना, अनु मतलब पीछे पीछे चलना। तो किसके पीछे पीछे चलना? राग भक्तों के पीछे पीछे चलना, रागात्मिका भक्तों के,
किसके पीछे पीछे चलना है? राग आत्मिका भक्तों के। तो राग आत्मिका का मतलब क्या होता है, इसका संधि विच्छेद करो। राग आत्मिका संधि विच्छेद के भी बहुत सारे रूल्स हैं। राग ही जिसकी आत्मा हो उसको राग आत्मिका कहते हैं। समझ में आया ना? हमारे शरीर में जब तक आत्मा है तब तक हम जीवित हैं, है ना? आत्मा निकल गई तो क्या है, हम बॉडी ढेर है, कचरे का ढेर है। आत्मा ही जो है इसको चलता फिरता बनाया हुआ है। उसी तरह से जिसकी भक्ति का प्राण, समझ में आया ना, केवल कृष्ण से आसक्ति है, कृष्ण से अटैचमेंट है। मतलब अगर उस व्यक्ति के जीवन में कृष्ण नहीं है, जैसे हमारे शरीर में जब तक आत्मा है तब तक ये शरीर काम का है, समझे? तो भक्ति रूपी शरीर में कृष्ण रूपी आत्मा अगर नहीं है तो वो भक्ति रूपी शरीर क्या है? केवल कचरे का ढेर है, हाड़ मांस का एक लंप है। समझ में आया ना? तो ऐसी भक्ति कौन करते हैं? जो ब्रज के लोग हैं। सो ब्रज के लोगों को भक्ति जो है उसको राग भक्ति कहा जाता है या रागात्मिका भक्ति कहा जाता है। और ब्रज के लोग जिस भाव में कृष्ण की सेवा करते हैं उनका अनुसरण करने वाले को रागानुग भक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रज के लोग जो भाव में कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो ब्रज के लोग कृष्ण से कौन से भाव में भक्ति करते हैं? और बाहर के लोग भी कृष्ण से संबंध बनाते हैं, वो कौन से भाव में? यहाँ पे देखो बताया गया है, मुख्य स्तु पंचधा, पांच मुख्य रस है, शांत प्रीत प्रेयांश वत्सल मधुरश्चेति चेत्यामी गेया यथा पूर्वम अनुत्तमा। मुख्य स्तु पंचधा, पांच मुख्य है, कौन कौन सा? शांत, प्रीत मतलब होता है दास्य, इसलिए नीचे मैंने लिख के रखा है। प्रीत मतलब होता है दास्य भाव, प्रेयान मतलब सख्य भाव, वात्सल्य और मधुर, ये पांच भाव जो है ये ब्रज का भाव कहलाता है। ये पांच भाव जो है ये ब्रज का भाव कहलाता है। तो इस भाव में जो लोग कृष्ण से प्रेम रखते हैं, संबंध बनाते हैं, इसमें कहा गया यथा पूर्वम अनुत्तमा। हर एक जो है इसको सीक्वेंस में पढ़ो, शांत प्रीत प्रेयांश वत्सल। शांत का, प्रीत का पिछला कौन सा है? शांत है, है ना? तो पिछले से पहला वाला जो है वो उत्तम है, उत्तम मतलब श्रेष्ठ है, समझ में आया ना? तो शांत से श्रेष्ठ है, प्रीत प्रीत से श्रेष्ठ है, प्रयान प्रयान से श्रेष्ठ है वत्सल, और वत्सल से श्रेष्ठ है मधुर। समझे? यद्यपि हम लोग जब एनओडी में जाएंगे तब इसके बारे में और जरा विस्तार से बताऊंगा आप लोग को। यद्यपि ये सभी भाव में भगवान से प्रेम करना, समझ में आया ना, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। जैसे बेटा माँ बाप से प्रेम करता है, माँ से या बाप से प्रेम करता है, बेटी माँ या बाप से प्रेम करती है, सास ससुर माँ बाप से प्रेम, बेटे बेटी से प्रेम करते हैं, समझ में आया ना? माँ बाप बच्चे से अपने प्रेम करते हैं, हाँ, बहू से प्रेम करते हैं, पति पत्नी से प्रेम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पति जो है उसका पत्नी से ज़्यादा प्रेम है और पुत्र से या पुत्री से बहुत कम प्रेम है, है ऐसा है क्या? हाँ, अभी आप लोग गृहस्थ है बताओ। हाँ, मतलब पति का पत्नी से ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा प्रेम है इन कंपैरिजन टू पुत्र या पुत्री, या ऐसा भी है कि पुत्र और पुत्री से, हाँ, से ज़्यादा प्रेम है, पत्नी से कुछ प्रेम नहीं है, ऐसा है? समान भी नहीं है, समान भी नहीं है, अपने अपने रिलेशन के अनुसार वो ठीक है। समझ में आया ना? अपने अपने रिलेशन के अनुसार, रस के अनुसार जो है वो ठीक है। हाँ, तो लेकिन अगर देखा जाए, मान लो दोनों को सेक्रीफाइस करने का टाइम आ गया, या तो बच्चे को सेलेक्ट करो या पत्नी को सेलेक्ट करो, किसको सेलेक्ट करें? यस प्रभु। हाँ, नहीं
है ना, नहीं बता पाएंगे क्यों क्योंकि अवसर नहीं आया अभी तक। अगर अवसर आ जाएगा, कट थ्रोट अवसर, अभी आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा सिचुएशन आ गया तो क्या करेंगे, तब उसमें एक को तो श्रेष्ठ मानेंगे, किसको मानेंगे आजकल के जमाने में अगर पत्नी से परेशान हो चुके तो है ना, या बच्चों से परेशान हो चुके तो इसको सेक्रीफाइस कर देंगे, है ना। सो उसी तरह से इसमें कोई भेद नहीं है, हर एक का अलग अलग भाव है, लेकिन फिर भी इसमें जो मधुर भाव है उसको श्रेष्ठ क्यों गिना जाता है। क्योंकि मधुर भाव में गोपियां जो है, मधुर भाव में है ना, गोपियां कृष्ण के प्रेम के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, समझ में आया ना। गोपियां जो हैं सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, कुछ भी वो अपने लिए नहीं करना चाहती हैं, केवल कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, समझ में आया ना। तो हर कोई करने के लिए तैयार है, ऐसा नहीं कि यशोदा और नंद नहीं करने को तैयार हैं, यशोदा और नंद भी करने के लिए तैयार है, लेकिन यशोदा और नंद केवल संबंध होने के कारण करने के लिए तैयार है ना। पर गोपियों का कृष्ण से कोई फॉर्मल रिलेशन नहीं है, ना तो माता पिता है ना, नहीं तो पति पत्नी है, समझ में आया ना। उनका आपस का सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनका कोई रिलेशन नहीं है, है ना। कुछ रिलेशन ना होते हुए भी ये गोपियां जो हैं कृष्ण के लिए सब कुछ नछावर करने को तैयार है, इसीलिए उनका प्रेम जो है श्रेष्ठ है। लेकिन हमारा बच्चा है तो हम अपने बच्चे के लिए मरने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन दूसरे का बच्चा रहेगा तो, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है तो, है ना। मर सकते हैं लेकिन सोचेंगे एक दो बार, अरे यार मैं इससे बहुत ये करता हूँ, ठीक है अच्छा है, बचाना चाहिए मेरे को, लेकिन अभी सेक्रीफाइस करने का टाइम आ गया, क्या करूँ मैं, छोड़ देंगे उसको, समझ में आया ना। पर गोपियों का कोई भी संबंध नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने कृष्ण से बड़ा प्रेम किया, उनके लिए सब कुछ त्याग दिया, इसीलिए उनका प्रेम क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, समझे। अन्यथा प्रेम में कोई भेद नहीं है, केवल भाव के अनुसार अलग अलग स्टेज है। और बाकी जो जो ब्रज के बाहर के लोग होते हैं उनका संबंध क्या होता है, हास्य अद्भुत तथा वीरस करुणो रौद्र इत्यपि भयानक स विभत्स इति गौणश्च सप्तधा, सात अन्य संबंध है। कौन कौन सा, हास्य, कृष्ण से हास्य का संबंध है, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक, विभत्स, ये सब संबंध बनता है। तो इस जगत में ऐसा कोई भी नहीं है जिससे कृष्ण से संबंध नहीं है, लेकिन कृष्ण से किस रूप में संबंध है ये अलग अलग बात है। तो जो व्यक्ति कृष्ण से ब्रज के भाव में प्रेम करता है, जो पांच मुख्य रस है इसमें जो प्रेम करता है कृष्ण से, वो कृष्ण के निकट है, ये इस छठवें पैराग्राफ में बताया गया है कि भगवान की लीलाओं में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है, लेकिन ग्वाल बालों का उदाहरण दिया जा सकता है। भगवान कृष्ण हमेशा ऐसी लीलाओं में पांच प्रमुख रसों में व्यक्त रहते, ये ब्रज के लोगों का उदाहरण दिया है। तो ब्रज के लोगों का जो रस है उस रस में हम कृष्ण से अपना संबंध बना सकते हैं, और जब हम उस रस में कृष्ण से संबंध बनाते हैं तब वो रस जो है, वो बोलते हैं ना, गाना गाते हैं कुछ लोग, जो रस बरस रहे हो बरसाने वो रस तीन लोक माना, सुने जो रस बरस रहे हो बरसानो वो रस तीन लोक मीना। कौन सा रस बरस है, डिबू रस कौन सा रस, आम रस प्रेम रस, क्या बरस रहा है, प्रेम रस। सो इतना आसान नहीं है, लेकिन ब्रज के लोगों का अनुसरण करेंगे तो धीरे धीरे वो भाव डेवलप होगा, जो हम लोग उपदेशामृत में पढ़ेंगे,
11th श्लोक में, 11वां श्लोक जो है उसमें कहते हैं कि एक भाव डेवलप करके ब्रज के लोगों के, उसमें कहा है रूप गोस्वामी ने कि ब्रज के किसी भी लोगों का एक भाव में भगवान से संबंध डेवलप करके और राधा कुंड के तट पर बैठ करके उसी भाव में कृष्ण की और राधा की सेवा करने से, वही सेवा करते करते जब हम शरीर त्याग करके भगवत धाम जाएंगे तो वही सेवा कंटिन्यू करेंगे। समझ में ब्रज ब्रजानुगामी ऐसा कुछ तो है ना स्टेटमेंट, क्या है वो, है ना आपके पास बुक है, देखो बुक में क्या लिखा है, तिष्ठन् ब्रजे तन अनुरागी जनानुगामी कालम नएद अखिलम इति उपदेश सारम, यही वाला श्लोक है, कालम नएद अखिलम इति उपदेश सारम। मराठी बुक है ये है ना, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् ब्रजे तदनुरागि जनानुगामी कालम नएद अखिलम इति उपदेश सारम। समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 2400 घंटे भगवान के दिव्य नाम रूप गुण तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीभ तथा मन क्रमशः व्यस्त रहें। इस तरह से उसे ब्रज गोलोक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त हैं। तो हम लोग भी जो है भगवान के लीलाओं में प्रवेश कर सकते हैं, यद्यपि ये बड़ा कठिन है। कैसे? जो भगवान के भक्त हैं रागात्मिका भक्त, उनका अनुगमन करके, यानी रागात्मिका भक्ति करके। और रागात्मिका भक्ति कब डेवलप होगी? जब हम वैधि भक्ति पुष्ट करेंगे तब। वैधि भक्ति किसको कहता है, कहा जाता है जो भक्ति विधि विधान के द्वारा किया जाता है उसको क्या कहते हैं? वैधि भक्ति। विधि विधान मतलब कहा गया है चार नियम का पालन करो तो चार नियम पालन करना विधि है ना। 16 माला का जप करो 16 माला विधि है। सुबह उठकर के मंगला आरती अटेंड करो तो ये विधि है। समझे? तो ऐसे बहुत सारे विधि हैं, लेकिन शास्त्र में एक विधि बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। वो क्या है? हाँ, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातु चित्त सर्वविद्धि निषेध एतयोर एव किंकरः। आप लोगों का दीक्षा हो गया? बहुत सारे लोगों का, आपके गुरु ने ये इंस्ट्रक्शन दिया है, मिला है कि नहीं ये इंस्ट्रक्शन? हाँ, क्या इंस्ट्रक्शन है? ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद ने इसी को लेकर के कृष्ण भावनामृत रखा, ये आंदोलन का नाम। कृष्ण कॉन्सियसनेस जो शब्द है वो इसी श्लोक से आया है। क्या है वो? स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातु चित्त। हमेशा कृष्ण का स्मरण करो, एक क्षण के लिए भी कृष्ण को मत भूलो। सर्वविधि निषेध, सभी प्रकार का विधि और निषेध इसका दास है। ये अगर किया, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, अगर ये किया तो आपका सब विधि विधान पालन करना ठीक है। अगर ये नहीं कर पाए तो सब बेकार है। समझ में ना? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमेशा कृष्ण का स्मरण करो, कृष्ण को कभी मत भूलो। कैसे पॉसिबल है? नौकरी में जाते हो तो वहाँ पे कृष्ण आपको याद आते हैं? बोलो, आते हैं 24 घंटे? बोलो मत। जाते तो हरे कृष्ण बोल देते, वो कृष्ण कृष्ण को स्मरण नहीं करना है, वो अपने पब्लिक को स्मरण करना है कि उनको हरे कृष्ण, पहले नमस्कार बोलते थे अभी हरे कृष्ण बोल रहे हैं। है ना, वो हमारा नमस्कार हरे कृष्ण में चेंज हो गया, पर भाव क्या है? नमस्कार का ही भाव है, वो कृष्ण को स्मरण करने का भाव नहीं है।
समझे। हम लोग हरे कृष्ण जो बोल देते हैं वो कृष्ण को स्मरण करने का भाव नहीं है, वो क्या है, नमस्कार का भाव है, अब कृष्ण को यूज कर रहे हैं। हाँ ऑफ कोर्स ऐसे ही करते करते हम धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित बनेंगे, पर कभी सोचो मैं हरे कृष्ण तो बोल रहा हूँ इसको, पर मैं किसके लिए हरे कृष्ण बोल रहा हूँ इसको, मैं हरे कृष्ण बोल रहा हूँ ठीक है, पर क्यों बोल रहा हूँ हरे कृष्ण भाई, क्यों, क्योंकि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मुझे हर परिस्थिति में कृष्ण को स्मरण करना है। हाँ मैं अगर इसको विश भी कर रहा हूँ तो मैं भी कृष्ण का नाम लूँगा, जैसे चैतन्य महाप्रभु का गुंडीचा पास टाइम जो है ना, गुंडीचा सेवा कर रहे हैं तो सब लोग झाड़ू लाओ, पानी लाओ, कचरा फेंको, ये टोपली ले जाओ, तो सबके लिए कृष्णा 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 कृष्णा, समझ में आया ना। हमारा भाव अभी तक वो नहीं डेवलप हुआ है, इसीलिए उसको डेवलप करने की कोशिश करो, ये मत कहो कि हो गया तो स्टॉप हो गया, समझ में आया ना, जहाँ कह दिया हो गया उसके बाद भी अभी हो गया तो इसके आगे और क्या करना है, स्टॉप हो जाएगा वो, ये मत कहो हो गया है, प्रयास कर रहा हूँ। हमेशा सोचना चाहिए कि मैं क्या कृष्ण को स्मरण कर रहा हूँ, सोते जागते उठते बैठते क्या मैं कृष्ण को स्मरण कर रहा हूँ, नौकरी करते खाते पीते यहाँ वहाँ आते जाते क्या मैं कृष्ण को स्मरण कर रहा हूँ, सबके साथ संबंध बनाते हुए क्या मैं कृष्ण को स्मरण कर रहा हूँ, ये चिंतन जब लगा रहेगा तब हम कृष्ण के लीला में प्रवेश कर सकते हैं। ये बड़ा कठिन है ना, लेकिन रागानुगा भक्तों का फॉलो करेंगे। जैसे ब्रज के लोग जो हैं वो गाली भी किसको देते हैं, साधारण लोग को नहीं गाली देते, कृष्ण को गाली देते साक्षात, है ना, किसको गाली देते, कृष्ण को गाली देते। राधा गोविंद महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे कि जय वो इनका गोवर्धन लीला का एक लेक्चर में गाली देके बोले मजे से गाली देके बोले वो तो, कि कृष्ण सोचने लगे मन में कि ये ग्वाल बाल जो है अभी मेरे को चिढ़ाएंगे, बोलेंगे कि ये कौन सा देवता लेके आया, पहले के देवता जो थे उनको भोग लगाते थे तो खाते नहीं थे, ये कौन सा देवता की पूजा करने को बोला, इसको चढ़ाया तो ये सब खा गया, अब हम क्या खाएंगे। तो एक हमारा भोजपुरी में एक टिपिकल गाली है, हमारा स्ट्रेट बोल देते हैं मैं नहीं बोल सकता क्योंकि ये रिकॉर्ड कर रहा है ना, तो कृष्ण को डायरेक्ट बोल रहे हैं वो लोग, अरे ये कौन सा देवता लेके आया तुम। हाँ तो कृष्ण को लगता है कि अरे बाप रे, लोग मेरे को सचमुच गाली देंगे, मेरे को बदनाम कर देंगे ये लोग, तो इसीलिए कृष्ण जो है वो जो गोवर्धन ने जो खाया था सब बाहर निकल इसलिए सब बाहर आ गया जिससे कि वो लोग शेयर करके खा सके, समझ में आया ना, उसके पीछे ये पास टाइम है। तो भगवान से ये संबंध स्थापित करना पड़ेगा, और भगवान कहते भी हैं कि मुझे ब्रज के लोग जो गाली देते हैं वो मुझे वेद वाक्यों से भी बड़ा प्रिय लगता है। तो अभी ये मत सोच लो कि अभी हम ब्रजवासी हो गए और आज से कृष्ण को गाली देना चालू, वो सहज ही बन जाएंगे, समझ में आया ना, वो क्या हो जाएगा सहज, क्योंकि कृष्ण ने बोला है मेरे को गालियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, पर किसकी गालियाँ, ब्रज के लोगों की गालियाँ। अभी क्या हम ब्रज के वासी बन गए, ब्रजवासी मतलब 24 घंटा कृष्ण का चिंतन, क्या वो स्टार्ट हो गया, नहीं हुआ अभी तक, तो हम ब्रज के लोग नहीं है। कृष्ण के लिए क्या कुछ सब कुछ जगत में त्यागने के लिए तैयार हैं, वो ब्रजवासी है, उनको अधिकार है कृष्ण को गाली देने का, समझे। हम गाली देने लगेंगे तो क्या हो जाएंगे, नकलची हो जाएंगे। तो इसके लिए हमको अभी मर्यादा में रहना पड़ेगा और सहजिया नहीं बनना पड़ेगा, उसको विधि भक्ति कहते हैं। तो विधि भक्ति जब पुष्ट होती है तब रागानुग भक्ति स्टार्ट होती है, और जब रागानुग भक्ति परफेक्ट होती है तो ये शरीर त्यागने के बाद में हम ब्रज में जन्म लेते हैं और फिर जाकर के रागात्मिका भक्ति करते हैं, इसी शरीर में रागात्मिका भक्ति नहीं मिलेगी, समझे। तो इसके लिए तैयारी करना पड़ेगा तब हम कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश कर पाएंगे। सातवें पैराग्राफ में वो कहते हैं कि यदि भगवान कृष्ण हमेशा यदि भगवत धाम में ही हमेशा आनंद लीला में निमग्न रहते हैं, जैसा कि भगवान कहते हैं, हाँ, तो इन समस्त जगतों का पालन कैसे करते हैं, यह कार्य भगवान अपने परमात्मा स्वरूप से कराते हैं। ये प्रभुपाद जी
सातवें पैराग्राफ में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से परमात्मा जो है इस जगत में सब काम देखते हैं। आठवें पैराग्राफ में भगवान को समझना एक जटिल विज्ञान है बताते हैं, वह आसान नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सांख्य दर्शन यानी 24 तत्वों की अनुभूति, ये जो भौतिक तत्व हैं इनकी अनुभूति जो कर लेता है, या निराकार ब्रह्म ज्योति के माध्यम से ज्ञान में बढ़ चढ़ जाता है, फिर भी वह भगवान को साक्षात नहीं देख सकता है। उसे किसी न किसी तरह से वह शक्ति अर्जित करनी होगी जिससे वह ब्रह्म ज्योति के पर्दे को भेद सके, और तब उसे भगवान के दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता है। तो जैसा मैंने बताया था पहले स्टार्टिंग में, वो लोग पहुंच गए थे ऋषि लोग वैकुंठ में, तो भगवान ने उनको वापस भेज दिया। तो वापस भेज के क्या किया, यहाँ आ करके उस तरह से कार्य करो, तपस्या करना मतलब भक्ति का कार्य करो, भक्तों का संग करो, भक्तों के संग से कृष्ण का ज्ञान मिलता है। अपने पढ़ने लिखने से हमको कृष्ण के बारे में ज्ञान नहीं मिलेगा, हम भक्तों का संग करेंगे और जो भगवान के प्रिय भक्त हैं उनके साथ में मिल करके भगवान की सेवा करेंगे, तब कृष्ण तत्व को थोड़ा 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 जान पाएंगे। वो मदन मोहन मालवीय जी का उदाहरण देते हैं ना, वो कोई प्रश्न लेकर के भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी महाराज के पास में गए थे। हाँ, तो उन्होंने पूछा उनको कि मतलब मेरा एक प्रश्न है, आप मेरा प्रश्न सॉल्व करेंगे क्या? तो समझ गए कि ये अहंकारी व्यक्ति है, जानते थे उनको वो, तो उन्होंने बोला कि पहले इसका अहंकार का नाश होना चाहिए। अहंकार का नाश कैसे होगा, सेवा करेगा तब तो। इसीलिए उन्होंने उसका प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, उन्होंने कहा कि वो मेरे डिसाइपल्स वहाँ के, तो जब गए डिसाइपल्स के पास में पूछने के लिए, तो डिसाइपल्स ने कहा अच्छा आपके प्रश्न का उत्तर चाहिए तो हमारी थोड़ी मदद करो, आ जाओ इधर, हमारे चैतन्य आनंद प्रभु के जैसा उसको सेवा दिया जाता है, तो बेचारा किसी को भी पकड़ के लेके आता है और करवाता था। तो ऐसे ही उसको दिए जब, तो बोले देखो अभी हम बर्तन घिस रहे हैं, अभी को भी थोड़ा हमको हाथ बटाना पड़ेगा। तो फिर वो आकर के बर्तन घिसने लगे, बर्तन घसवा दिया, तब बाद में उनको पूछा कि आपके क्या प्रश्न हैं, बोला अभी प्रश्न का उत्तर मिल गया, हरे कृष्ण। सेवा करने से अपने आप आंसर मिल गया, लेकिन अगर सेवा नहीं करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे, मुनि बन जाएंगे, ज्ञानी बन जाएंगे। ज्ञानी जो होता है वो हार्ट से शुष्क हो जाता है, उसके हृदय से प्रेम जो है वो प्रेम का पानी जो है ना वो सूख जाता है, समझ में आया ना, शुष्क हो जाता है, हार्ड हार्टेड हो जाता है। लेकिन सेवा करने से प्रेम जागृत होता है, सेवा जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ है। देखो इसका उदाहरण प्रभुपाद जी बार बार देते हैं कि पहले की जो लड़कियों का शादी हो जाता था, बालपन में शादी हो जाता था, वो जानते नहीं थे कि हमारा जो पति कौन है, पति क्या होता है ना, उनको लगता था खेल है ये, और शादी भी उनको गुड्डे गुड़ियों का खेल ही लगता था, है ना, क्योंकि वो बच्चियाँ भी जो है अपना गुड्डे गुड्डी की शादी रचाते रहती हैं, तो उनको लगता है आज हम ही गुड़ी गुड़िया बन गए, समझ में आया ना। पर बाद में जब वो लड़का आता है तो माँ उससे कहती है कि इसका सेवा कर, इसको पानी ले जाके दे, इसको खाना ले जाके दे, है ना। तो पानी खाना देते 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 वो क्या हो जाता है, उनका आपस में रिलेशन बनता है, उनका आपस में रिलेशन बनता है, तब जाकर के वो संबंध जो बनता है वो प्रगाढ़ होता है और युग युग तक चलता है। समझ में आया ना। आज के जैसा नहीं है कि सेवा तो किया नहीं, सेवा लेने के भाव से ही सब एक दूसरे के पास में संबंध जोड़ना चाहते हैं, इसको मैं भोग करूंगा और वो सोचता है इसको मैं भोग करूंगा, वो दोनों एक दूसरे को भोग करने के भाव से आते हैं। हम जैसे होटल में खाने के लिए जाते हैं ऐसे संबंध बनाते हैं लोग, समझ में आया ना। होटल में हम ऑर्डर देते हैं खाने के लिए, पैसा दे करके रिलेशन नष्ट। उसी तरह से हम लोग शादी विवाह किसके लिए करते हैं, तुमको मैं भोगूंगा तुम मुझको भोगो। जब तक एक दूसरे को भोग पाते हैं तब तक संबंध बना रहेगा, जैसे ही भोग में थोड़ा सा डिफरेंस आया तो अपना तुम अपने गांव जाओ मैं अपने गांव जाता हूँ। ये ऐसा रिलेशन जो है उससे, क्योंकि सेवा नहीं करते हैं इसलिए प्रेम जागृत नहीं होता है, पर अगर एक दूसरे की सेवा करेंगे तो जो प्रेम जागृत होगा वो अटूट रहता है। इसीलिए इसमें ये बता रहे हैं कि भगवान को अगर साक्षात देखना चाहते हैं तो ब्रह्म ज्योति के पर्दे को भेदना पड़ेगा और उसके लिए भगवान के दिव्य साक्षात्कार करना पड़ेगा, और भक्तों के संग से साक्षात्कार होता है। क्योंकि जितने भी भगवान के भक्त हुए, भगवान ने पूछा भी तुमको क्या वरदान चाहिए, हर एक भक्त ने यही बोला कि मुझे भक्तों का संग चाहिए। भक्त आपका संग नहीं चाहिए किसी ने बोला,
समझ में है ना। हर एक ने क्या बोला है, प्रहलाद महाराज ने भी बोला कि आपके भक्तों का संग चाहिए, ध्रुव महाराज ने बोला कि मुझे आपके भक्तों का संग चाहिए, किसी ने नहीं बोला कि आपका संग साक्षात चाहिए, 24 घंटा सेक्रेटरी की तरह से, छाया की तरह से मैं आपके पीछे पीछे घूमूंगा, किसी ने नहीं मांगा। क्यों? उनको मालूम है कितना घूमूंगा इनके साथ में, है ना, पर इनके भक्तों के साथ में रहूंगा तो इनका गुणगान सुनने को मिलेगा। आपको मालूम है यहाँ पे कहाँ पे है ये प्लेस, श्रीरंगम, श्रीरंगम में पीछे एक पुष्करणी है, क्या बोलते हैं उसका नाम क्या है, एक तो पुष्करणी है, स्वामी पुष्करणी बोलते हैं शायद, श्रीरंगम मंदिर जो है ना, मंदिर के पीछे एक पुष्करणी है, देखो तायर सन्निधि के पहले, लक्ष्मी जी का जो मंदिर है उसके पहले एक पुष्करणी है बीच में, तो पहले जो है हर रोज़ श्री रंगनाथ जी का वहाँ से परिक्रमा होता था, वो मंदिर का उनका परिक्रमा होता था वो पुष्करणी से, तो वहाँ पे एक बैठक है, वहाँ पे डिवोटी लोग बैठ कर, कोई तो अलवार थे, नाम नहीं याद आ रहा है, वो अपने भक्तों के साथ में बैठ करके कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे थे, हाँ कोई तो अलवार है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा नाम, तो उस समय कृष्ण की पालकी आ गई, रंगनाथ जी की पालकी आ गई, तो अभी पालकी आ गई तो 64 अंग है भक्ति का, उसमें एक होता है अनुव्रज्या, अनुव्रज्या मतलब भगवान की जब सवारी निकलती है या पालकी निकलती है तो उसके पीछे पीछे चलना चाहिए, तो भक्त लोग जो है भी भगवान की पालकी आ गई तो सब खड़े हो जाते हैं, तो जो चर्चा कर रहे थे कृष्ण के बारे में वो स्टॉप हो गई, तो उनमें जो चर्चा करने वाले वो अलवार थे, उन्होंने बोला देखो अभी ये आ गया, अभी हमारा इसमें विघ्न डालेगा। तो भगवान ने ये सुन लिया, भगवान को लगा कि मेरे भक्तों के ये जो सेवा कर रहे थे मेरे नाम का गुणगान का, उसमें इनको विघ्न आ गया, तो मेरे आने से इनको ये अच्छा नहीं लगा। समझ में आया ना, क्योंकि भक्त ने बोला अभी ये आ गया, अभी हमको खड़ा होना पड़ेगा, तो भगवान ने सुन लिया, बाद में उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि अभी मेरा हर रोज़ परिक्रमा नहीं करवाने का, इधर पालकी नहीं लेके आने, साल में सिर्फ एक बार वैकुंठ एकादशी के दिन, तो पीछे का जो दरवाज़ा है वो साल में सिर्फ एक बार खुलता है वैकुंठ एकादशी के दिन, बाकी हर रोज़ नहीं खुलता है, क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त कहीं ना कहीं बैठ करके चर्चा करते रहते हैं, तो भगवान को भी ये सब सुनने को आता है, और भगवान को लगा कि मेरे यहाँ आने से मेरे भक्तों का आपस में जो चर्चा चल रही है मत चिता मत गता प्राणा वाला, वो डिस्टर्ब हो गया उनका, समझे, तो भगवान के भक्तों में भगवान के प्रेम का जो आनंद मिलता है वो साक्षात भगवान से भी नहीं मिलता है, इसीलिए भक्तों का संग बड़ा ज़रूरी है, तभी हम भगवान के साक्षात स्वरूप का दर्शन कर पाएंगे। नवे पैराग्राफ में परमात्मा की चर्चा की गई है जो इस सृष्टि जगत का पालन करते हैं, जैसा कि उपरोक्त में उल्लिखित है, परमात्मा भगवान विष्णु के एक स्वरूप हैं जो इस भौतिक जगत के 24 तत्वों से परे हैं, परमात्मा ब्रह्म ज्योति से भी परे हैं। परमात्मा के बारे में और भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ, इसलिए 10वें पैराग्राफ में जो मुंडक उपनिषद में से कोट किया प्रभुपाद जी ने, उसमें बता रहे हैं कि हिरणमय परे कोशे विरजम, ये जो श्लोक है इसी के जैसा दूसरा एक श्लोक है, प्रभुपाद जी ने कोट किया है उसको, इसमें बताया कि भौतिक आवरण के उस पार के दिव्य क्षेत्र में अनंत ब्रह्म ज्योति है जो भौतिक कलमस से रहित है, उस तेजस्वी श्वेत प्रकाश को अध्यात्म वेता और प्रकाशों में सर्वोत्तम प्रकाश के रूप में जानते हैं, उस प्रक्षेत्र में प्रकाश के लिए सूर्य चंद्र अग्नि विद्युत इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है। ये सेम वही है जो भगवद्गीता में आता है न तद भाष्य तो सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। सो उसी श्लोक को यहाँ पर बताया गया है, प्लस ये जो हिरणमय न पात्रे न सत्यस्य अपहृतम मुखम जो है, इस श्लोक के बारे में भी तो प्रभुपाद ये मंडूक उपनिषद को कोट करके बताते हैं कि किस तरह से ये हिरणमय कोश जो है उसका वर्णन किया गया है। ये 10वें पैराग्राफ में, 11वें पैराग्राफ में बताते हैं कि वास्तविक ज्ञान है कृष्ण को समझना जो इस ब्रह्म ज्योति के आधार हैं, प्रतिष्ठा हैं, यह मंत्र इस बात का प्रमाण है कि हम भगवान नहीं हैं जैसा कि मायावादी लोग मानते हैं, और यदि हम भगवान होते हमें भगवान से यह अनुरोध नहीं करना पड़ता कि आप अपने जाज्वल्यमान प्रखर तेज को हटा लीजिए जिससे मैं आपको देख सकूँ, है ना। तो जो कोई अपने आप को भगवान बताना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ा स्टेटमेंट प्रभुपाद जी ने मार दिया है कि जब तुम स्वयं भगवान हो तो फिर भगवान से निवेदन करने की क्या जरूरत है, भगवान तो किसी से निवेदन नहीं करते हैं, मेरे लिए खाना लाओ, मेरे लिए पानी लाओ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा, है ना। 12वें पैराग्राफ में जिसे भगवान
और उनकी शक्तियों का ज्ञान नहीं होता है उन्हें ही ब्रह्म ज्योति का अनुभव रहता है। जिन्हें भगवान की शक्तियों का ज्ञान होता है उन्हें परमात्मा का ज्ञान होता है, परंतु हमें भगवान का अनुभव करना है, यही सार्थकता है जीवन की। और 13वें पैराग्राफ में बताया गया है कि भगवद्गीता में साफ साफ बताया गया है कि भगवान का अनुभव करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ योगी होता है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमोमतः। थैंक यू सो मच। लेट हो गया था अभी, मैं समझ गया।